नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। शिवराज सिंह चौहान के जन्म दिवस को आज युवा मोर्चा ने सेवा दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर युवा मोर्चा के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने किताबें और पेंसिल वितरित किए। इसके साथ ही स्वच्छता का संदेश भी दिया और लोगों से अपील की कि वो अपने शहर और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। माता की जय। स्वच्छ भारत, 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 भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के जन्म दिवस के रूप में हमने सेवा दिवस मनाया है। सेवा दिवस भारतीय जनता युवा मोर्चा ने स्वच्छता का संदेश देते हुए स्वच्छता की, जिसमें गुना मंडल के पदाधिकारी हमारे जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष श्री राधेश्याम पारिक जी उपस्थित थे एवं जिले के पदाधिकारीगण, युवा मोर्चा के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष गुना एवं युवा मोर्चा कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसके साथ ही आज पूरे जिले में युवा मोर्चा सेवा दिवस के रूप में किन्हीं मंडलों में फल वितरित करके, किन्हीं गरीब बस्तियों में किताब पेंसिल देकर एवं कहीं स्वच्छता के साथ माननीय यशस्वी प्रदेश के मुखिया के जन्म दिवस के रूप में आज सेवा दिवस रूप मनाया गया है एवं सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं। भारत माता की जय। बारात की एक बस पर चढ़े युवक ने मचाया धमाल, जिसकी वजह से लगा रहा जाम। बता दें कि बारात की एक बस आर्य समाज स्कूल के सामने से गुजरी तो उस पर एक मानसिक विक्षिप्त चढ़ गया, जिसके बाद उसे उतारने का भरसक प्रयास भी किया गया। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार उस व्यक्ति को उतार कर थाने पहुंचा दिया गया, जिसके कारण कई घंटों तक जाम भी लगा रहा। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिवस के मौके पर आज भाजपा कार्यालय में रखा गया सुंदरकांड का आयोजन। सुंदरकांड के आयोजन में समस्त भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर विधायक पन्नालाल शाक्य, ओएन शर्मा, महेंद्र सिंह किरार, अर्चना बबलू चौहान, विकास जैन नखराली समेत भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे।
संविदा कर्मचारियों की हड़ताल के आज 15वें दिन देखने को मिला एक अनोखा मंजर, जहां एक ओर को संविदा कर्मी प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के जन्म दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे थे व केक काट रहे थे। वहीं कुछ संविदा कर्मी उनकी सरकस से खासे नाराज दिखे। नाराजगी भी इतनी कि उन्होंने आप देखा ना ताव और कह दिया कि ये केक जानवरों के खाने के लिए बुलाया गया था। वहीं उन्हीं के कुछ साथियों ने इसे खा लिया। हम बात कर रहे हैं संविदा कर्मचारियों की हड़ताल की, जो पिछले 15 दिनों से शास्त्री पार्क के गेट के समीप चल रही है, जिसमें शुरू से देखने को मिला कि सभी में एकता है और सभी एकता के सहारे अपनी जंग को जीत लेंगे। वहीं अचानक आज दो धड़ आपस में अलग हो गए। संविदा कर्मियों का एक धड़ तो शिवराज सिंह चौहान को शुभकामनाएं दे रहा था, वह केक काटकर खुशियां मना रहा था। बोलो भारत माता की, भारत माता की। साथ ही दूसरा दल उन लोगों से खासा नाराज था और उन्हें अपशब्द भी कह रहा था। अभी करो, अर्जेंट करो, करना होगा, करना होगा, आज हड़ताल का 15वां दिन है। आप सभी को ये जान के खुशी होगी कि आज अपने सीएम साहब ने फिर से वार्ता के लिए बुलाया है। अपने 3 साथी लोग आज सीएम हाउस गए हुए हैं। आप खुद ही सुने इन दोनों संविदा कर्मियों की जुबान से इन्हीं की कही हुई बातें। आज हमारी हड़ताल का 15वां दिन है और माननीय मुख्यमंत्री जी का आज जन्मदिन है। 51 जिलों में, मध्य प्रदेश के 51 जिलों में माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन हम लोग हर्षोल्लास से मना रहे हैं। और आज हम लोगों की एक ही मांग है कि प्यारे मामा सुन लो पुकार, नियमित कर दो अपनी बात। तो हम लोगों के इस नारे को जो सभी 51 जिलों में हम लोग दे रहे हैं, उम्मीद रखते हैं कि मामा जी जो हैं वो हमको निश्चित नियमित करेंगे और हम सब उन लोग उनके जन्मदिन पे उनको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। जहाँ पर शिवराज सिंह जी के से मिलने के लिए हमारे प्रतिनिधिमंडल गया था, बात हुई थी, सभी लोग बड़े उत्साह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए, उन्हें लाठी चार्ज करके बाहर भगा दिया गया। निवेदन ये था कि आज का जो केक का कुत्तों के लिए बनाया गया था, कुत्तों को उनको खाना थी बोलो शुरू, पर हमारे कुछ वैसे बेचारे मतभेद के आदमी हैं जो कि इन केक को भी स्वीकार कर रहे हैं, पर हम बहुत से लोग कर्मचारी इसके विरोध में हैं। ये कुत्ते के स्वरूप में हम इसको केक को मान रहे हैं और मान रहे हैं जो केक खराब है वो विरोध शुरू है। शिवराज सिंह का कोई यहाँ पर जन्मदिन या उत्सव नहीं मनाया जा रहा है। अपने अल्प प्रवास पर गुना आए प्रभारी मंत्री जयवंत सिंह पवैया ने एक समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे, जहां इन्होंने कई सारे दिशा निर्देश कलेक्टर एवं सभी अधिकारियों को भी दिए। कोलारस और मुंगावली में भाजपा की हार को लेकर आज जयवान सिंह पवैया ने कहा कि कांग्रेस को केवल सहानुभूति के वोट ही मिले हैं। अपने एक दिन के प्रवास पर गुना आए जयवान सिंह पवैया ने पत्रकारों से रूबरू होकर उनके सवालों के जवाब दिए। एक सवाल के जवाब में जयवान सिंह पवैया ने कहा कि कांग्रेस को कोलारस और मुंगावली में जो जीत हासिल हुई है वह केवल सहानुभूति के वोटों से मिली है। अगर वास्तविकता देखी जाए तो कांग्रेस और पीछे चली गई। वहीं कांग्रेस का एक नया नारा सिंधिया के नेतृत्व में बनेगी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की बात कही जा रही है। इस पर पवैया ने कहा कि यह नारा तो कई सालों से गुना में देखने को मिल रहा है, पर बाहर इसके कोई औचित्य नहीं है। वहीं पवैया ने यह भी कहा कि त्रिपुरा में जहां भाजपा को एक भी सीट नहीं मिलती थी, वहां आज पूरे जोश के साथ भाजपा ने अपना परचम लहरा दिया। इससे साफ अंकित होता है कि आने वाले 2018 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण शक्ति के साथ उतरेगी और कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना देखा है उसे पूरा करेगी। गुना में भी हनुमान चालीसा के पाठ इत्यादि का आयोजन हुआ है। उनकी दीर्घायु की सहस्त्रों सहस्त्रों कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता कामना कर रही है। पहली बार प्रदेश की जनता को
ये एहसास हुआ है कि मुख्यमंत्री भी हमारे बीच हमारे जैसा ही आदमी है, इसलिए वो सच माने तो आम आदमी के मुख्यमंत्री साबित हुए। ग्वालियर चंबल अंचल के भाइयों बहनों को रंग पंचमी की शुभकामनाएं देता हूँ। गुना जिले के भाई बहनों को भी कुछ विभागों की मैंने अधिकारियों की समीक्षा बैठक की है। पेयजल को लेकर मैंने प्रशासन को ये निर्देश दिए हैं, पीएचई विभाग को कहा है कि गर्मी में भूजल स्तर कई बार अचानक नीचे जाने लगता है, इसलिए समय रहते हमको पूर्व योजना तैयार रखनी चाहिए। बाकी योजना है बिजली विभाग की, उसमें कोई छोटा पुरा और बसाहट भी वंचित न रहे, इसका बहुत बारीकी से सर्वेक्षण और उसके क्रियान्वयन का काम गुना जिले में चालू है। सब स्टेशन, 8 सब स्टेशन ये मंजूर किए हैं और इनका काम भी सितंबर मास तक पूरा कर लिया जाए, मैंने बिजली विभाग को निर्देश दिए हैं। गाँव में ये काम पूरा होना है, वे हैं सेंधुआ, सिलावटी, माहौर, अमोरा, अमोदा, कोड़े मंगवार, छिपोन, बांसाहेड़ा, सहरोक और मुरेडी। कांग्रेस को नाक बचानी थी अपनी महाराज, क्योंकि सीटें उसकी थी और हमको काटनी थी यानी छीननी थी सीटें। मैं पहले वो बोल चुका हूँ, इसका अनर्थ न हो जाए भैया। कांग्रेस एक व्यक्तिगत नारा दे रही है आपकी बार सिंधी सरकार, इसे आप क्या मानते हैं? ये नारा अभी का नहीं है, वो दीवारों पर कई सालों से लिख रहा है, पिछली बार भी कभी चुनाव में ज्यादा लिखा जा रहा है। नहीं, ये गुना, शिवपुरी, अशोकनगर में लिखा जा सकता है, मध्य प्रदेश में नहीं लिखा जा रहा है। जहाँ उनके अनुयायी हैं वो लिखते ही हैं। इस उपचुनाव का प्रदेश में क्या मैसेज जाएगा? कोई मैसेज नहीं जाएगा। ये व्यक्ति वर्सेस व्यक्ति की लड़ाई बिल्कुल नहीं थी। नहीं, निरंतर भाजपा चुनाव आ रही है, चित्रकूट, चित्रकूट के बाद अटेर, अटेर के बाद रावण नगर पालिका, रावण नगर पर नवाब जी, कोलारस, तो इससे कहीं पार्टी के मनोबल पे जो गिरा हुआ कांग्रेस? नहीं नहीं, मैं ये अधूरी सच्चाई है कि हमारी सीट कोई कांग्रेस ने जीत ली क्या? नहीं। अब जहाँ विधायक दिवंगत होते हैं, कोई माननीय नेता दिवंगत होता है, वहाँ की परिस्थितियाँ, ये भारत है, इसमें कई बार विकास को भी दरकिनार करके सहानुभूति के वोट होते हैं, तो हमें सामाजिक परिस्थितियों का भी गुणाभाग करना पड़ता है परिणाम देखते समय। कुल मिलाकर बहुत रोमांचक लड़ाई भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लड़ी है। आंकड़ों में हम हारे हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कांग्रेस पराजित हुई है, और कांग्रेस के भीतर क्या विश्लेषण चल रहे हैं ये सामने आएंगे तो आपको पता लगेगा। वो तो इसे अपनी पराजय अंदरूनी तौर पर मान रहे हैं। ये ठीक है कि प्रजातंत्र में 49 और 51 का खेल होता है, जनता ने जो आदेश दिया है हम शिरोधार्य करते हैं और उसको, उस चीज़ को हम मंजूर करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जैसे रिजल्ट आया तो क्या कांग्रेस मुक्त भारत की उसमें कितना, देखिए त्रिपुरा ने कितना कदम बढ़ा दिया आगे? त्रिपुरा जैसा लालगढ़ जिसकी कल्पना भी दुनिया का कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं कर सकता, जहां भारतीय जनता पार्टी का खाता ही नहीं खुलता था, जहां हम पंचायतों से लेकर विधानसभा तक में हमें पैर रखने जगह नहीं मिलती थी, वहां कांग्रेस का शून्य पर जाना और भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत आना, ये सिद्ध करता है कि 2019 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितनी करिश्माई जीत भारतीय जनता पार्टी को फिर मिलने वाली है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो चमत्कार हो रहे हैं, कर्नाटक के परिणाम सारे देश को देखने को मिलेंगे, दक्षिण में भी हमारी विजय होगी,
जनता का जो रुझान, जनता का जो समर्थन दिखाई दे रहा है, इसलिए संकेत हैं 2019 का। बीनागंज के साहू धर्मशाला में मोंगे आदिवासी समाज मंडल की एक बैठक का आयोजन माननीय विधायक ममता मीना के मुख्य अतिथि में हुआ। बैठक में समाज के उत्थान के लिए चर्चा के साथ बालक बालिकाओं को पढ़ाने व समाज की कुरीतियों को मिटाने पर जोर दिया गया। विधायक महोदया से मोंगिया समाज को SC/ST वर्ग में आरक्षण दिलाने व समाज की धर्मशाला हेतु भूमि आवंटित करने की मांग भी रखी गई। विधायक ममता मीना ने अपने संबोधन में समाज की सभी समस्याओं का निराकरण शीघ्र करने का आश्वासन भी दिया। बैठक की अध्यक्षता राजगढ़ से पधारे डॉक्टर योगेंद्र मोंगिया ने की। आभार रामदयाल व रामहित मोंगिया ने व्यक्त किया। उसके बाद अपन ने क्योंकि हर समाज को मतलब सरकार की ओर से कलेक्टर के माध्यम से भूखंड कराने का आदेश सरकार की ओर से है, लेकिन जगह आप देखो, लेकिन उसके पहले आपको पूरा आपकी जो पूरा समाज का आपका गजट में आपको उसमें पूरा कायदे से लाना पड़ेगा। उसका आय व्यय, आप आय व्यय का भी अपन को पूरा हिसाब किताब रखना होगा। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जब रजिस्ट्रेशन कराओगे तभी आपको हम जमीन आवंटित करा पाएंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं, जब समाज का रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा तो जमीन आवंटित आप जगह देख लो, हमें फलानी जगह उस पर अपन पहले जमीन आवंटित करा। जमीन आवंटित हो जाएगी उसके बाद अपन निर्माण के बारे में सोचेंगे। पहले अपन को जमीन आवंटित होना चाहिए, फिर अपन निर्माण। थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ाई शिक्षा की ओर जोर देना पड़ेगा, क्योंकि समाज को सुधार को ले जाना तो शिक्षा ज्यादा जरूरी है। इसके शिक्षा पर विशेष। बीनागंज से हमारे सहयोगी RK शर्मा की रिपोर्ट। डीजीएनए न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।